हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू ओरछा टेंपल और राम राजा सरकार भी बोलते हैं जिसको। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब हम पहली ही वीडियो, ऑलमोस्ट द फर्स्ट वीडियो वाज बिलोंग्स टू दैट ओनली, और टुडे अगेन वी आर गोइंग देयर एंड होप वी विल एंजॉय अ लॉट एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय ब्यूटीफुल अमेजिंग मोमेंट्स विद यू एंड सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और ये मुख्य द्वार हमारा स्वागत कर रहा है और हमें बता रहा है कि हाँ, यहाँ से ओरछा की जो राम राजा सरकार है उसकी सीमा शुरू हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि ओरछा का किला और राम राजा का मंदिर आमने सामने है। जो कहानी थी वो भी मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी और यहाँ पर मैं आपसे एक नॉर्मल ही बात करूँगी क्योंकि हम अभी जो गए हैं यहाँ पर मैं आप को विस्तृत वर्णन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में, जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी इस चैनल की शुरुआत में, तभी आपको दी थी। कहते हैं कि यात्रा आपका हृदय उदार बना देती है, आपकी समझ का विस्तार करती है और आपका जीवन उन कहानियों से भर देती है जो आप बता पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे मौसम, ये सारा सुंदर वर्णन करने के लिए ही अब मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं किले की तरफ, हम लोग दर्शन कर चुके हैं। दर्शन में विशेषकर वहाँ पर प्रावधान नहीं था मोबाइल और कैमरा यूज़ करने के लिए, दैट्स व्हाई हमने ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह वहाँ क्लिक नहीं किए मंदिर के अंदर वाले प्रांगण में। और अब फिलहाल हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। ये है मेरा भाई, बाकी सारी जनता आगे निकल चुकी है। हम लोग वाटर बॉटल एक छोटी छोटी बैग में भी हैं वो लेने के लिए रुक गए थे। और पीछे अब शांति से जा रहे हैं क्योंकि जहाँ बच्चे नहीं होते वहाँ भीषण शांति होती है। ये बात हम कई बार फील कर चुके हैं बच्चों के होने के बाद। हे भगवान, हम बच्चे होंगे तो हमारे पेरेंट्स हमको कैसे झेलते होंगे, सीरियसली। उफ, ये देखो, ये आपको बैक साइड से दिखाती हूँ मैं किला, यहाँ से मतलब जहाँ हम चल रहे हैं हमको सामने दिख रहा है। ये है टिकट घर जहाँ से किले के अंदर जाने के लिए पहले टिकट्स लेने पड़ते हैं एंड देन आफ्टर यू कैन एंटर इन द पर्टिकुलर एरिया। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। पूजा बेबी, वाओ। और ये लोग, हम लोग जा रहे हैं, ये जिस तरफ ये रास्ता जाता है, ये राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल और हमाम खाना, ये उसी तरफ है। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये है तोप खाना, यहाँ पर लोग तोप खाया करते थे। जस्ट किडिंग, एज यू ऑल नो के तोप खाना जो है किस लिए काम में आता है। यार कुछ जगहों को देख के ना एकदम ही मज़ा आ जाता है। जैसे देखो ये कितने सारे बंदर हैं यार, देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखो देखो देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बरगद के पेड़ के पास कितने सारे बंदर हैं। हम लोग वहाँ पास में नहीं जा रहे हैं और इसके उपरांत हम जा रहे हैं अपने महल की तरफ, मतलब राजा महल की तरफ जिसका नाम है राजा महल। और देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो मेन एंट्रेंस है ना, मतलब इसके जस्ट आगे दरवाज़ा नहीं है बल्कि दो दरवाजे हैं, दोनों इसके दाएं बाएं तरफ है, जिससे कि आगे मतलब महल के अंदर क्या हो रहा है एकदम से जब कोई उसमें जाए तो उसको समझ में ना आए कि एग्जैक्टली उसमें क्या है। और ये देखो हमारी मस्ती। वैसे इस महल के बारे में मैंने बहुत सारी ऐतिहासिक बातें बताई हैं लेकिन वो चूंकि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ इसलिए मैं दोहरा नहीं रही हूँ यहाँ पर। हम इस वाले व्लॉग में सिर्फ अपना एंटरटेनिंग वाली बात करेंगे। वेल, इतनी गर्मी, इतनी उमस हो रही है लेकिन जब किले में आते हैं तब समझ में आता है कि किस तरह से एकदम प्रॉपर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण होते थे पहले के राजा महाराजा जो घर बनवाते थे बेसिकली। क्योंकि यहाँ जिस जगह में बैठी हुई हूँ ना, देखो आप लोग देख सकते हो, ये जो एरिया है ये एग्जैक्टली वो एरिया है
जहाँ से पूरे राम राजा सरकार का जो बेसिक जो टेंपल का स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। और यहाँ से इसके साथ ही ये जो झरोखा आप देख रहे हैं, देखो ये झरोखा जो आप देख रहे हैं, इससे प्रॉपरली इतनी सुंदर इतनी अच्छी हवा आती है ना, एकदम सुकून देने लायक, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत। ये आ गए, हेलो करो, हेलो। किले में घूमने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है सीढ़ियाँ। जी हाँ, सीढ़ियाँ। तो बाबू मोशाय, जिन सीढ़ियों पर चढ़ के आप ऊपर गए हैं ना, उन सीढ़ियों से नहीं, आप दूसरी सीढ़ियों से भी उतर के नीचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ले जाइए, सीढ़ियाँ चढ़ाइए, सीढ़ियाँ उतरवाइए और किला घुमाइए। और अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं या आप अनमैरिड हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि उसके बाद आप बहुत ही सुकून के साथ बिना इनकी देखरेख की हर वो चीज़ देख सकते हैं जो आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं। और इस संपूर्ण विस्तृत वर्णन में हमारी दीदी के द्वारा दिया गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। बहुत मजे आ रहे हैं हम लोगों को, हम लोगों ने बहुत सारे फोटो खींचे हैं और बहुत सारे आपको दिखाने के लिए, ठीक है। नीले गगन के तले, खुले आसमान में, घास के ऊपर, इनकी मस्ती तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है बनती ही है बॉस। और इनकी मस्ती के साथ ही साथ हम ये व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमको एक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी दीदी ने कहा है कि हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं, तो वो फ़ोटोज़ हमको आपसे शेयर करने के लिए बोला गया है। तो अब हम वो शेयर आपसे कर रहे हैं, जिससे कि आप भी यदि कभी यहाँ पर आएँ तो आप आइडियाज़ ले सकें कि हाँ, इस तरह की फ़ोटो खींच सकते हैं अपन भी, ठीक है ना।